सोनभद्र में आज क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल ने तिरंगा पदयात्रा निकाली। कांग्रेस ने जिला मुख्यालय स्थित चाचा नेहरू पार्क से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर नगर पालिका स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय गान के साथ शहीदों को नमन किया। क्रांति निकाल रही है, जबकि कांग्रेस क्या इसमें क्या साबित करना चाह रही है? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो अगस्त क्रांति की शुरुआत 1942 में हुई थी। 8 अगस्त की रात को सारे जो क्रांति के नेता थे, आज़ादी की लड़ाई के जो नेता थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया था। उसी दिन 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने अगस्त क्रांति की घोषणा कर दी। अगस्त क्रांति की शुरुआत हो गई। अंग्रेजी नींव को उखाड़ने के लिए, ब्रिटानिया हुकूमत को उखाड़ने के लिए अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई। उसी अगस्त क्रांति के आज 77वें वर्षगांठ पे हम लोग का चाचा नेहरू पार्क से तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं और नगर पालिका स्थित गांधी प्रतिमा की साफ सफाई और वहाँ माल्यार्पण करके हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से ये तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है। पुनरावृत्ति पर 77वीं वर्षगांठ के रूप में चाचा नेहरू पार्क से कांग्रेस सेवा दल ने यात्रा स्टार्ट करके महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण कर इसे राष्ट्रगान के बाद समाप्त करेगी। और इसको मनाने का हमें ये उद्देश्य है कि हम उन सेनानियों की याद को पुनः जिंदा करना चाहते हैं जो आज के इस परिवेश में, जो नागपुर के लोग हैं उनके द्वारा इसको धीरे धीरे स्मृति से हटाया जा रहा है, उसको हम दोबारा स्मृति में रखने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। अगस्त क्रांति यात्रा यही शहीद है। आज भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अगस्त क्रांति अमर रहे, अमर रहे, बंदा सेनानी अमर रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।